नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिस्ट के बारे में जानकारी दूंगा और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिस्ट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो ओवरियन सिस्ट हो, चाहे सेबेसियस सिस्ट हो या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं, बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। दोस्तों, सिस्ट हमारे शरीर में कहीं पर भी देखी जा सकती है, पाई जा सकती है। दोस्तों, सिस्ट के बारे में अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको सिंपल एक गुब्बारे को देखना होगा, और गुब्बारे में जब आप पानी भरते हैं तो जैसा गुब्बारा होता है, अंदर पानी भरा हुआ होता है और ऊपर से रबड़ की मेम्ब्रेन होती है, जिसके कारण वो पानी आसपास नहीं जाता और वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक सैक में इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ही सिस्ट में होता है। दोस्तों, सिस्ट का बनना बहुत ही अनोखा होता है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पर जो सेल्स होते हैं, खासकर मेम्ब्रेनस सेल्स, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उससे सीरियस फ्लूइड निकलता है, पानी जैसा गाढ़ा फ्लूइड निकलता है। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो, हो सकता है कि बिल्कुल पानी जैसा हो। तो वो मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल्स के इकट्ठा होने से बनी हुई है, उसके अंदर वो भरने लगता है पानी और एक ओवर ग्रोथ हो जाती है, एक सैक बन जाता है, और इसी को हम सिस्ट बोलते हैं। चाहे वो गैंग्लियोनिक सिस्ट हो जो हमें यहाँ पर हो जाता है, चाहे वो ओवरियन सिस्ट हो जो फीमेल्स की ओवरीज में होने लगता है, चाहे एपिडर्मोइड सिस्ट हो जो मोस्टली आपको गले के पीछे या स्किन के जस्ट नीचे आपको एक ओवरग्रोथ दिखेगी गले में या कहीं पर भी, और वो आप हिलाएंगे तो हिलेगा और ऐसे दबाएंगे तो थोड़ा सा पानी जैसा उसके अंदर महसूस होगा। सेबेसियस सिस्ट हो, मोस्टली कान के पीछे आपको ऐसे सिस्ट देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ब्रेस्ट में जो सिस्ट है वो आपको बहुत देखने को मिलता है, लम्स हो जाते हैं। उसके साथ गैंग्लियोनिक सिस्ट, जिसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। पाइलोनाइडल सिस्ट बहुत ही कॉमन सिस्ट है रेक्टम एरिया में। उसके बाद कैलेजियन, जो पलकों में सिस्ट बन जाता है, जिसे हम कैलेजियन बोलते हैं। बार्कर सिस्ट, जिसको हम पॉपलिटियल सिस्ट बोलते हैं, जो नीज के पीछे एक सैक बन जाता है। सिस्टिक एक्ने बहुत ही कॉमन है, एक्ने रहते हैं धीरे धीरे, उसमें पस फॉर्मेशन होता है, पानी जैसा सीरियस फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है और वो सिस्ट बन जाता है। हालांकि वो सीडो सिस्ट है, वो परफेक्ट सिस्ट नहीं है। और आगे चलते हैं पाइलर सिस्ट, ये स्कैल्प में ज़्यादातर पाया जाता है और प्रोटीन डिपोजिशन इसमें होता है। म्यूकस सिस्ट, ये बहुत ही कॉमन है और इसमें पानी जैसा म्यूकस डिपॉजिट होता है, मोस्टली बहुत छोटा होता है और जल्दी अपने आप ही ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। ब्रैकियल क्लेफ्ट सिस्ट, ये ब्रैकियल क्लेफ्ट में काफ़ी बड़ा सिस्ट होता है, आपको पिक्चर दिख ही रही होगी। तो ऐसे कुछ सिस्ट हमारे शरीर पे बहुत ही कॉमन है। आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, आप किसी भी तरह के सिस्ट में ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन लेने के बाद आपकी सिस्ट की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एपिस्मेल। दोस्तों, एपिस्मेल होम्योपैथी में सिस्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर ओवरियन सिस्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ब्रेस्ट में अगर सिस्ट होता है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और खासकर म्यूकस वाला जो सिस्ट है जहाँ पर पानी भरा रहता है, उसके लिए भी एपिस्मेल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो एक्चुअली में एपिस्मेल जो सीरस फ्लूइड होता है उसे वो खींच लेती है और जो स्वेलिंग है उसे वो ठीक कर देती है। अगर आपको बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो एपिस्मेल का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण भी है। तो मैं मोस्टली ओवरियन सिस्ट और सीरस फ्लूइड टाइप के सिस्ट और म्यूकस सिस्ट में ये ज़्यादातर देता हूँ, और सेबेसियस सिस्ट के लिए भी ये अच्छी मेडिसिन है। एपिस्मेल आप थोड़ा सा लोअर पोटेंसी में यूज़ करें सिस्ट के लिए, और अगर आपको एपिस्मेल 6 CH में मिलती है तो बहुत ही बेटर है। एपिस्मेल 6 CH में 2 बूंद सुबह पिए और 2 बूंद रात में पिए। ये मेडिसिन लगभग 1 महीने तक लेंगे, आपको आराम दिखने लगेगा। मेडिसिन 2 से 3 महीने कंटिन्यू करिएगा, लगभग 70% ठीक हो जाएगा। 2-3 महीने और कंटिन्यू करेंगे, पूरी तरीके से
ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है थूसा। दोस्तों थूसा अब दो तीन तरह से वर्क करती है, एक तो ये ओवर ग्रोथ को कम करती है, दूसरा ये जो फ्लूइड है उसको एब्सॉर्ब करने में मदद करती है, तीसरा जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण सिस्ट होता है, खासकर ओवरियन सिस्ट हो गया या ब्रेस्ट में सिस्ट है तो वो हार्मोनल चेंज के कारण होते हैं। ऐसे में थूसा जो है वो हार्मोनल चेंजेस को ठीक करती है और जो बैलेंस नहीं हॉर्मोन्स का वो बैलेंस बना के रखती है, धीरे धीरे सिस्ट अपने आप ठीक हो जाता है। इन्फ्लामेशन सूजन को भी कम करती है, तो सिस्ट के लिए थूसा सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और थूसा आपको 200 पोटेंसी में 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। थूसा 200 दो बूंद रात में पीना है। कैसे पीना है, मान लीजिए थूसा 200 मेरे हाथ में है, दो बूंद डायरेक्टली टंग में आप डाल लें और इसे सिर्फ रात रात लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों तीसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। दोस्तों कैल्केरिया फ्लोर एक बायोकेमिक मेडिसिन है जो कि ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये भी फ्लूइड एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और साथ ही साथ सिस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। थूसा और एपिसमेल के साथ आपको कैल्केरिया फ्लोर ज़रूर लेनी चाहिए सिस्ट के लिए, किसी भी तरह का सिस्ट हो आपको कैल्केरिया फ्लोर लेना ही लेना है, चाहे वो गैंग्लियोनिक सिस्ट हो, ओवेरियन सिस्ट हो, सर्वेसियस सिस्ट हो। तो कैल्केरिया फ्लोर आपको ट्राइचुरेशन टैबलेट लेनी है, इसे आपको 6x ट्राइचुरेशन पोटेंसी में लेनी है, मतलब कैल्केरिया फ्लोर 6x में लेना है आपको और इसे आपको 6 गोली सुबह चूसना है और 6 गोली दोपहर में चूसना है और 6 गोली रात में चूसना है। साथ में एक स्पेशल मेडिसिन सिर्फ ओवेरियन सिस्ट के लिए और वो मेडिसिन है ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम। इसे आप 6x पोटेंसी में यूज़ करें, 2 गोली सुबह चूसें, 2 गोली दोपहर में चूसें और 2 गोली रात में। तो सिस्ट के लिए आपको मोस्टली 3 मेडिसिन तो लेनी ही लेनी है। पहली मेडिसिन है थूसा जो कि 200 पोटेंसी में 2 बूंद रात में लें, एपिसमेल 6 CH पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह लें, 2 बूंद रात में लीजिए और साथ में कैल्केरिया फ्लोर 6x 6 गोली सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। अगर आप फीमेल हैं, ओवेरियन सिस्ट है, तो ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम 6x पोटेंसी में 2 गोली सुबह दोपहर शाम और ऐड कर लीजिए, किसी भी तरह का सिस्ट हो। ये 3 इफेक्टिव मेडिसिन है। मेडिसिन 1 महीने तक लीजिएगा, 1 महीने में लगभग आपको 20-25%, अगर छोटा सिस्ट है तो 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा सिस्ट है तो 20-25% ठीक होगा। उसके बाद आप 2-3 महीने लेंगे तो 50% ठीक होगा, उसके बाद आपको 2-3 महीने और लेना पड़ेगा, 70% ठीक होगा, ऐसे करके पूरी तरीके से ये ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा समय तो लगता ही है क्योंकि एक सर्जिकल कंडीशन है, सिस्ट कुछ बहुत बड़े होते हैं तो थोड़ा और समय लग सकता है, अगर छोटा है सिस्ट तो कम समय लग सकता है। तो ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज़ क्या है। जैसे छोटा सा अगर गैंग्लियोनिक सिस्ट है, बहुत छोटा सा, तो 1 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अगर थोड़ा सा बड़ा गैंग्लियोनिक सिस्ट है तो लगभग 1.5 से 2 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक हो ही जाएगा। तो बस ये मेडिसिन लेना चालू करिए, आपके सिस्ट की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, आपको सर्जरी बिल्कुल नहीं करानी पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए, इसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज आता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिया है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।